जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रुकिए सर जी, यहाँ क्या काम है? एक मिनट सर जी, आप इस फोटो को फ्रेम कर दीजिए ना। इतनी रात में पेंटिंग क्यों बना रहा? मैं आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी पे आपको ये गिफ्ट देना चाहता था। तो सुबह से तुम बैग में इसे लिए घूम रहे हो? जी, ये मेरी तरफ से आप दोनों की एनिवर्सरी गिफ्ट है। अच्छा बेटे, तुम इसे कौन से फ्रेम में बनवाना चाहोगे? जिस फ्रेम में आप भगवान की फोटो लगाते हैं ना, उसी में लगा दीजिए। अच्छा, तो तुम इन दोनों को भगवान मानते हो? जी, मैडम जी और सर जी मेरे लिए भगवान ही है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ फ्रेम दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर जी? कहीं नहीं। ये देखो बेटा, जब कभी कृष्णा के सामने ये सच आएगा कि मैं उसका बाप हूं, तो कैसे सामना करूंगा मैं उसका? एक तरफ तो वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ वो मुझे अपना भगवान समझता है। जब उसका ये भ्रम टूटेगा तो क्या बीतेगी उस पर? मैं उसका भगवान नहीं बल्कि उसका दोषी हूं, अपराधी हूं, एक कायर हूं जो उससे, अपनी बीवी से, अपने परिवार से सच छुपाता फिर रहा हूं। गलती नहीं, मैंने तो पाप किया है, पाप। पापी तो किया है मैंने, पापी हूं मैं, पापी। भगवान नहीं हूं मैं। पाप की सजा मिल जाए तो पाप धुल जाते हैं। भगवान वही है जो पापहीन है। मैं अपने पाप धो देना चाहता हूं। मुझे ऐसी सजा बताइए जिससे मैं अपने पाप धो सकूं। ये तो तुम ही जानते होगे कि तुमने कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है। बस उसी के आधार पर अपनी सजा स्वयं तय करनी होगी। प्रायश्चित की अग्नि में तुम जितना जलोगे उतने ही पापहीन हो जाओगे। हरिओम, हरिओम। गुस्से में आकर उन्हें धक्का मत देना कृष्णा, और फिर छोड़ देना उस आदमी को उसके हाल पे। अपने लिए अपनी सजा चुने वो। जब कभी भी मुझे मेरा बाप मिला तो मैं उससे कहूंगा कि वो अपनी सजा खुद चुन ले। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।